हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अंडर 25,000 रुपीस की एक अपडेटेड बाइक की लिस्ट हमको प्रोवाइड कीजिए, जिसमें आपको 5 बाइसिकल्स की लिस्ट में दूँ जो कि आप सजेशन ले सको अपने लिए खरीदने के लिए। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपकी MTB बाइक्स शो करता हूँ जो आप अंडर 25,000 रुपीस के बजट में खरीद सकते हो, जो आपके काफ़ी काम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बाइक। अगर हम बाइक नंबर 1 की बात करें तो देखो यहाँ पे पहली बाइक जो हमारे पास है वो है क्रेडियक ब्रांड की तरफ से। दिस इज कॉल्ड वोल्फ 27 स्पीड, यानी कि 27 गियर वाली ये साइकिल है। साइकिल जो है ना, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, एक अच्छी खासी MTB की तरह ये नज़र आ रही है। 25,999 का इसका प्राइस है, मतलब 26,000 रुपये का प्राइस है, बट आई एम प्रीटी श्योर ये आपको 25,000 रुपये के बजट के अंदर मिल जाएगी। साइकिल लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टाइलिश भी लग रही है। अब इसका मटेरियल क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेट्स चेक दैट आउट। सो अगर इसमें देखें, ये वेबसाइट पर हमको शो कर रहा है दैट ये 17 इंच का फ्रेम सेट आपको दे रहे हैं। 6061 एलॉय का फ्रेम इस्तेमाल किया गया है, डबल वॉल्ड एलॉय के रिम्स है इसमें। जो ब्रेक है वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है। क्रैंक शिमानो का क्रैंक इस्तेमाल किया है। फ्रंट का डीरेलर शिमानो FDT3000, यानी कि टर्नी का डीरेलर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। रियर डीरेलर इन्होंने शिमानो एलिवियो का इस्तेमाल किया है, विच इज़ प्रिटी गुड, बिकॉज 25,000 रुपये में शिमानो एलिवियो मिलना इज़ अ वेरी गुड थिंग। फोक जो है यहाँ पे इन्होंने जूम का सस्पेंशन, लॉकआउट वाला सस्पेंशन फोक इस्तेमाल किया है। फ्री व्हील शिमानो का ही 9 स्पीड का कैसेट है। हैंडल बार 680mm का कर्व्ड हैंडल बार है, ऑब्वियसली एलॉय का होगा। हेडसेट कैनली का, पेडल एलॉय के हैं। हब्स जो हैं वो एलॉय के हब्स है विद क्विक रिलीज। सैडल एर्गोनॉमिक है, शिफ्टर वगैरह शिमानो एलिवियो के शिफ्टर्स का इस्तेमाल किया है। एलॉय का स्टेम है एंड 27.5x2.35 के नायलॉन टायर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना गाइस, 5'4" से लेके 5'8" के बंदे इसको बहुत इजीली चला सकते हैं। यूनिसेक्स साइकिल है, यानी कि लड़कियां और लड़के दोनों इसको राइड कर सकते हैं। सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन जो आप अपने लिए चेक कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड बाइक। मॉन्ट्रा की ये वाली जो साइकिल है ना, बहुत ही स्टाइलिश लगी थी जब ये लॉन्च की गई थी, एंड आज के टाइम पे भी ये साइकिल काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैंड आउट करती है। अभी करंट मार्केट प्राइस में ये 23,000 रुपीस की है। ये एक MTB बाइक है, बट इसमें आपको रिजिड फोक का जो है ना वो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एलॉय का रिजिड फोक है, एलॉय का फ्रेम है, 3x7 के गियर सेट में आता है, 27.5 इंच का व्हील सेट है, डबल वॉल्ड एलॉय के रिम्स हैं, एंड ओवरऑल जो बाइक है ना ये बहुत ही स्टाइलिश लगती है। आई थिंक पूरे पांचों लिस्ट में सबसे स्टाइलिश बाइक अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मॉन्ट्रा की ये वाली कॉर्ड है। डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाता है, शिफ्टर्स जो हैं वो शिमानो के तरफ से आ गए हैं, गियर सेट भी आपको शिमानो का ही प्रोवाइड किया गया है। सो 23,000 रुपीज फॉर दिस बाइक इज अ वेरी गुड डील विच यू कैन डेफिनेटली कंसिडर फॉर योरसेल्फ। तो अगर 25,000 के बजट में अच्छी बाइक ढूंढ रहे हो, दिस कैन बी अनदर चॉइस। लेट्स मूव ऑन टू द बाइक नंबर 3। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द बाइक नंबर 3, तो वो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको फिटट्रिप ब्रांड के तरफ से आने वाली फिटट्रिप वाइपर RS 2090। 24 स्पीड की ये MTB बाइक है। दिस बाइक लुक्स गुड, नो डाउट अबाउट इट। काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इस बार फिटट्रिप ने यहाँ पे इनकी न्यू बाइक्स में इस्तेमाल किया है, सो डेफिनेटली कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू। अगर इसके फ्रेम मटेरियल की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे एल्यूमिनियम 6061 का इस्तेमाल किया है। 24 गियर हैं शिमानो असेरा के साथ। टेक्ट्रो के M280 मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। 120mm का सस्पेंशन फोक यहाँ पे कंपनी दे रही है। सस्पेंशन फोक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये ऐसा दिखने में है जो आपको लॉकआउट के साथ यहाँ पे कंपनी देने का कोशिश कर रही है। डेफिनेटली सीमलेस वेल्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, सो दैट मीन्स बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। ब्रेक सेट भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इस बार ब्रांडेड ब्रेक्स जो हैं वो फिटट्रिप ने इस्तेमाल किया है, एंड गियर सेट में आपको शिमानो असेरा का गियर यहाँ पे कंपनी ने दिया गया है। ट्रिपल वॉल एलॉय का रिम इस्तेमाल किया गया है, शिमानो SL315 के रैपिड फायर शिफ्टर्स हैं, एंड ऑब्वियसली QR के एलॉय सील्ड बैरिंग वाले जो हब्स हैं वो यहाँ पे फिटट्रिप ने इस्तेमाल किया है। सो डेफिनेटली दिस लुक्स अ रियली गुड एंड प्रॉमिसिंग बाइक अंडर द बजट ऑफ 23,000 रुपीज़। तो आप इसको भी एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो उनके वेबसाइट पे, या फिर मैंने ये लिंक ना इसका प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में, आप इस लिंक को क्लिक करके Amazon पे इसको अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो, सारे रिव्यूज़ को भी चेक कर सकते हो अच्छी तरीके से डिटेल लेने के बाद। अगर ये पसंद आ जाना तो इसी लिंक के थ्रू आप परचेज भी कर सकते हो। चौथे नंबर पर जो बाइक मैंने रखी है ना, ये है क्रॉस ब्रांड की तरफ से। जनरली हम इनकी बाइक्स को इतना ऐड नहीं करते हैं, बट इस बार मैं इसको ऐड कर रहा हूं। ये वाली जो बाइक है ये है क्रॉस हेक्सा 27.5।
24 स्पीड वाली साइकिल है, यानी कि इसमें भी आपको 3x8 के 24 गियर्स मिलते हैं। फ्रेम का डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा कूल लुकिंग में ये फ्रेम का ओवरऑल डिज़ाइन है। ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मिनिमम है बट काफ़ी कूल लुकिंग है। 3x8 का गियरिंग यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया है। 27.5 इंच के व्हील सेट्स हैं डबल वॉल्ड एलॉय के। सामने जूम का सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है विद लॉकआउट, एंड बाइक जो है ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा क्लोजअप लुक अगर आपको मैं चेक कराऊँ तो देखो शिमानो असेरा का यहाँ पे जो डीरेलर है वो इस्तेमाल किया है। 8 स्पीड का कैसेट है, शिमानो का ही क्रैंक सेट है, फ्रंट में टर्नी का डीरेलर है, एंड यहाँ पे जूम का सस्पेंशन फोक है विच डेफिनेटली लुक्स गुड। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है, एंड फ्रेम का डिज़ाइन देखोगे तो सीमलेस वेल्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि वेल्डिंग के जो पॉइंट्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं। एंड यहाँ पे जो सीट पोस्ट है वो भी अलॉय का है। सो ओवरऑल इंटरनल केबल राउटिंग के साथ आती है, देन डेफिनेटली ये बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है। 24,490 रुपये का इसका प्राइस है, तो आप इस बाइक को भी अंडर द बजट ऑफ 25,000 रुपीज़ कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक नया साइकिल लेने का सोच रहे हो तो। आई नो अभी भी बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो रह गई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एड ऑन करेंगे 25,000 के बजट में। अगर आपको कोई बाइक याद है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, जो आप चलाते हो तो मैं उसको भी एड ऑन कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और बाइक की लिस्ट को लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।